आप थोड़ा सा बताएंगे कि पार्टी क्यों कमजोर हुई क्यों पतन हुआ चेंज हुआ सोसाइटी में चेंज होता है वो रिफ्लेक्ट होता है पॉलिटिक्स में जब मुजफ्फरनगर दंगे हुए तो उसके बाद आप लोगों की पार्टी की ओर से आप लोगों ने उसके खिलाफ कुछ कहा नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ये गलत दूसरा आप कैसे रहे? सोचते हैं कि वो जो कम्युनिटी है वो आपके साथ वापस जुड़ जाएगी यूपी में यादव पार्टी का दिखता है आप जाट बहुल क्षेत्र से आते हैं जाटों की पार्टी कहलाती है जाट मुस्लिम की पार्टी बाकी अन्य लोगों के लिए क्या है तो वैसे जगहों पे तो फिर राजभर साहब मौर्या साहब और तमाम लोग तो आएंगे ही आएंगे हम लोगों का फेलियर हो सकता है कि हम लोग साध नहीं पा रहे लोग या उनको विश्वास नहीं दिला पा रहे कि हम उनके लिए भी हैं मतलब कैसे आप लोग पीछे छूट जा रहे हैं उन सारी चीज़ों को मैनेज कर एक बड़ा डिस्कनेक्ट आ गया पॉलिटिक्स में आप ये हैं कि लीडर इस देश को बदल देगा एक आदमी देश को बदल देगा नहीं है ये मैं समाज में जो चीज़ें चल रही हैं जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ वो मैं आपके माध्यम से आपको मुझे सवाल पूछने चाहिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ऑडियंस से पूछ रहा हूँ कहा जा रहा है कि सीटों को लेकर के 2024 के इलेक्शन को लेकर के जो सीटों का बंटवारा होना है उसको लेकर के बहुत चीजें चल रही हैं किसी को भी नहीं पता होता जो लोग एक्चुअली बैठ के तय करने वाले हैं उन्हीं को तो मालूम है ना नमस्ते मेरा नाम अनिल शारदा है और हमारे साथ आज जैन चौधरी जी हैं आर पार्टी के प्रमुख और मैं जिस से आया हूं ऑन द रिकॉर्ड करके मेरा एक शो है जो कि हम लोग करते हैं आपने देखा है हमारा कभी यस yes. कैसा है आई एम लिटिल वेरी मुझसे क्या कराओगे <laughs> नहीं बहुत कुछ नहीं कराएंगे Uh, हम लोग का इंटरव्यू थोड़ा सा कैजुअल ही रहता है बहुत ज़्यादा हार्डकोर पॉलिटिक्स में नहीं घुसते हैं हम लोग लेकिन कोशिश करते हैं कि वो सारी चीज़ों को बाहर भी निकालें और आज अगर मैं इंटरव्यू शुरू करूं तो सबसे पहले मैं आपका व्यू ले लेता हूं ये काच सेंसर वाले बात पे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना एफिडेविट वापस ले लिया तो क्या लगता है आपको देखिए मोदी जी जब प्रधानमंत्री बन के आए थे पहली बार उन्होंने एक बयान दिया था कि जब हम बेरोज़गारी की बात करते हैं तो हमारे पास डेटा ही नहीं है तो इसलिए सरकारें जो हैं व्यवहारिक नीतियाँ अब तक बना नहीं पाई और वो सत्तर साल का जो उनका एक स्टाइल होता है समझाने का कि पूर्व की सरकार उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो उन्होंने एक आशा जगाई थी कि एक डेटा ओरिएंटेड पॉलिसी ओरिएंटेड सरकार वो चलाएंगे अब दूसरा टर्म खत्म होने को है अभी भी सरकार के पास कोई डेटा नहीं है सेंसस डिले हो चुका है अभी भी हम दो के आधार पर डिसीजन ले रहे हैं कोविड खत्म हो गया अभी भी कोविड का बहाना लेके सेंसस नहीं कराया जा रहा और सेंसस के साथ साथ जो जातिगत स्थितियां हैं जो उस देश की सच्चाई है हम उस पर पर्दा डाल के सोच लें कि सब कुछ ठीक है ऐसा नहीं फिर विस्फोट होगा सामाजिक न्याय के लिए जिन लोगों ने इस देश के महान लोगों ने काम किया उनके जो विचार थे वो अगर उन उनको आगे हम बढ़ाएंगे हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा जो आखिरी छोर पे व्यक्ति खड़ा है उसको ये विश्वास होगा कि इस देश में लोकतांत्रिक तरीके से मेरी आवाज़ उठ रही है मुख्यधारा में मुझे आने का एक समान अवसर मिल रहा है और मेरी आने वाली पीढ़ियों को भी मिलेगा ये बहुत इम्पोर्टेंट है कन्वे करना बीजेपी का एक्सटेंड था वो क्लियर नहीं था आज भी नहीं लेकिन खुशी है कि अब कम से कम जो बिहार ने एक पहल की अब आ, उनको ये महसूस हो रहा है कि राजनीतिक जमीन खिसकेगी एक नुकसान होगा और एक डैमेज कंट्रोल मोड में बीजेपी आई है तो इसीलिए इन्होंने आज वापस ले लिया क्योंकि कहीं इसका इंपैक्ट अगले तीन चार राज्य के जो इलेक्शन है पांच राज्यों के इलेक्शन है मैं आपको बताऊं क्यों बिकॉज uh, मोदी जी की और बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है वो मोस्टली हैवनोट्स uh, के साथ नहीं है लेकिन मोदी जी की जो पॉलिटिकल पोजिशनिंग है अब बीजेपी के आप कार्यकर्ता जो प्रचारक हैं जब वो लोगों के बीच जाते हैं वो कंप्लेन करते हैं कहते हैं जी हम क्या करें मोदी जी पिछड़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और पिछड़ों के लिए ज़्यादा कर रही downtrodden, hmm. है सरकार सो दैट इज ए पोलिटिकल पोजिशनिंग ही ही वॉन्ट्स टू डू अ लॉट फॉर द अंडर प्रिवलेज डाउन ट्रॉडन जो शोषित वर्ग हैं उनको उनके उत्थान के लिए मोदी जी ने वो काम किया जो किसी सरकार ने नहीं किया एक वो पोलिटिकल नेरेटिव है और एक आप कास्ट सेंसस का विरोध कर रहे हो दोनों चीज़ों में कोई मेल नहीं है तो इसलिए उनको अब एहसास हो रहा है कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है तो नौ साल में सरकार ने मैं ये दावा करूं कि कोई काम ही नहीं किया झूठ तो नहीं, नहीं बोलूंगा छोटा छोटा बोलूंगा आप यूएस के सिटीजन अभी भी या <laughs> नहीं, याबियसली नॉट उसकी बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है तो मैं ये सोच रहा था कि आज के डेट में हर साल लाखों लोग भारत छोड़ के जा रहे हैं आपके पास सब चीज़ होने के बाद भी आपने क्यों नहीं सोचा कि वहीं रहें मेरा पूरा जीवन यहीं गया है। तो एक अपनित्व की जो भावना होती है वो भारत के लिए थी तो अब दिल नहीं मानता तो क्या करो लेकिन ये लोग जो जा रहे हैं भारत छोड़ के उनके प्रति आप कुछ कहना चाहेंगे वो बेहतर अवसर के लिए जा रहे हैं अपने फैमिलीज़ के लिए जा रहे हैं जोखिम लेके जा रहे हैं घर छोड़ना परिवार छोड़ना अपनी ज़मीन को पीछे छोड़ के जाना आसान फैसले नहीं होते और ये भी सही है कि एक एन जो कम्यूनिटी है या जो इंडियन औरिजिन के लोग बाहर हैं वो इंडिया के लिए कॉन्ट्रीब्यूट भी बहुत कुछ कर रहे हैं उनकी नज़र भी रहती है अब आप देखें साधर्न इंडिया के कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ रेमिटेंस उनकी अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है hmm. तो जो हमारे लोग गए हुए हैं दे आर आल्सो सेंडिंग देयर अर्निंग्स बैक होम तो लोगों की हम उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते दे आर पार्ट ऑफ आर इंडियन एथोस पहली बार आप चुनाव लड़े दो का अपने पिता के बगैर सॉरी 2022 का और अब 2024 का इलेक्शन आप लड़ने जा रहे हैं इन दोनों चुनाव में आप अपने पिता की कमी को कितना महसूस बहुत महसूस होता है बिकॉज जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो जब आपके पास कोई आ, मतलब लोग होते हैं जो आपका काउंसिल आपका करते हैं गाइडेंस आपको देते हैं जब तक वो आपके साथ हैं शायद आप इतना अप्रिशिएट नहीं करते नाउ आई नो बिकॉज आई एम प्रेजिडेंट ऑफ द पार्टी मैं अध्यक्ष हूँ दल का कई ऐसे मोड़ आते हैं जब मुझे फैसला लेना होता है सोचना पड़ता है hmm. आज उनका अनुभव होता तो शायद मेरे फैसले और परिपक्व हो पाते या व्यवहारिक हो पाते या उनको और मुझे सफलता मिल पाती hmm. और बहुत सी चीज़ें होती हैं लोगों की आज उम्मीदें सारी अब आ, मुझे लगता है कि आ, मुझ पर हैं पहले मुझे ये भी आसानी होती थी बिकॉज आई वॉज देयर इन्वॉल्व इन पार्टी अफेयर कि कुछ डिसीजन होते थे जो कड़वे डिसीजन होते थे वो चॉइस अब ले लेते थे तो अब मुझे लेने हैं बट ये लाइफ में होता है सबके साथ होता है आप थोड़ा सा बताएंगे कि पार्टी क्यों कमज़ोर हुई क्यों पतन हुआ चेंज हुआ सोसाइटी में चेंज होता है वो रिफ्लेक्ट होता है पॉलिटिक्स में जो एक दौर आया क्योंकि देखिए हमारी बेसिक कॉल कॉलिंग ये है कि गाँवों में विकास होना चाहिए कि जो रूरल बेस्ड एग्रीकल्चर है उसके लिए पॉलिसीज़ फ्रेम होनी चाहिए कि किसान को जो मजदूरी कर रहा है उसकी बात यहाँ आए मुख्यधारा में पहुँचे ये हमारी कोर पॉलिटिक्स है अब उससे डाइवर्ट करने के लिए बहुत सी चीज़ें निकल के आई जातिगत ऐसी राजनीति बढ़ गई है कि मैं देखता हूँ कि यूपी में शायद ही ऐसी अब कोई जाति बची है जिसकी खुद की पार्टी छोटी मोटी ना हो अब वो फीलिंग आती है हर एक जाति का व्यक्ति कहता है कि मेरे जाति का नेता होना चाहिए मेरा आदमी वो है उन्हें महसूस हो रहा है कि जब वो सत्ता में आएगा तब मेरे जाति का उत्थान होगा जो ऐसा है नहीं लेकिन ये भावना बहुत मजबूत होती जा रही है पर ये सच भी तो है आ, मैं आपको जयंत भाई बोलूँ बिल्कुल ठीक जयंत भाई ये सच भी तो है क्योंकि जो भी पार्टियाँ हैं बड़ी पार्टियाँ उन्होंने अपने जाति से बाहर निकल के विकास बहुत कम ही किया आप इस बात से नकार अगर सकते हैं तो ठीक है कोई बात नहीं बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है और क्योंकि क्योंकि अगर आप तो मुसलमान तो का, का तो है वो बहुत कम है। बिल्कुल। अगर दलित जाति की बात की जाए पिछड़े लोगों की बात की जाए तो उनका प्रतिनिधित्व तो बहुत कम है यूपी में यादव पार्टी का दिखता है आप जाट बहुल क्षेत्र से आते हैं जाटों की पार्टी कहलाती है जाट मुस्लिम की पार्टी बाकी अन्य लोगों के लिए क्या है तो वैसे जगहों पे तो फिर राजभर साहब मौर्या साहब और तमाम लोग तो आएंगे ही आएंगे ये हम लोगों का फेलियर हो सकता है कि हम लोग साध नहीं पा रहे लोग या उनको विश्वास नहीं दिला पा रहे कि हम उनके लिए भी हैं क्योंकि फार्मर की जब मैं बात कर रहा हूँ किसान की बात कर रहा हूँ उस पहचान से सभी लोग जुड़े हुए हैं उस पहचान से जो बच्चा आज शहर में पढ़ रहा है लेकिन उसकी फैमिली गाँव में रहती है उसका भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमसे जुड़ा हुआ है सोशल इंटरेस्ट हमसे जुड़ा हुआ है लेकिन कुछ हमारा हमारी प्रॉब्लम है कि हम उसको अपने साथ जोड़ के नहीं रख पा रहे हैं। और वो प्रॉब्लम्स क्या है मतलब यहाँ पे बुनियादी सवाल है उसको समझने के लिए कि आखिर यहाँ मतलब कैसे आप लोग पीछे छूट जा रहे हैं उन सारी चीज़ों को मैनेज कर एक बड़ा डिस्कनेक्ट आ गया पॉलिटिक्स में और ये पिछले दो दशकों में और चीज़ें आई हैं पॉलिटिक्स में जैसे वेव्स होते हैं और वो डिस्कनेक्ट ये है कि मेरे वोटिंग का डिसीज़न उसका प्रभाव मेरी ज़िंदगी पे कितना पड़ता है पहले लोग समझते थे कि जिस तरह वोट दोगे उसी हिसाब से सरकारें बनेंगी उसी हिसाब से काम होंगे आज एक डिस्कनेक्ट है लोग क्यों वोट दे देते हैं नहीं मालूम फ्लोटिंग वोट बढ़ गया है हर स्तर पर बढ़ गया है और लोग देखते हैं भाई माहौल क्या अच्छा जीतेगा कौन अच्छा सोशल मीडिया पे किसकी बात चल रही है अच्छा ये आदमी बात बहुत बढ़िया कर रहा है आम आदमी वोटर से आप पूछो भाई जो कह रहे हैं कि मोदी जी फिर आएंगे मोदी जी बहुत अच्छे हैं उनसे आप पूछिए कि उनकी कौन सी नीति आपको अच्छी लगी है आप उनके मंत्रिमंडल में पांच मंत्रियों के नाम मुझे बताइए जो अच्छा काम कर रहे हैं इस सरकार में दे विल नॉट बी एबल टू टेल यू नहीं बता पाएंगे कहेंगे नहीं मोदी जी अरे विचार इतने अच्छे हैं देखो कितना बढ़िया इतना अच्छा लगते हैं कैसे चलते हैं तो ये जो चीज़ें हैं ये पर्सनैलिटी बेस्ड पॉलिटिक्स बहुत हद तक हावी हो चुकी है लोग सोचते थे जैसे देश विकसित होगा लोग मिडिल क्लास की संख्या बढ़ेगी शहरों में लोग आएंगे विकास प्रगति से लोग जुड़ेंगे तो लोग इशू ओरिएंटेड पॉलिटिक्स में जाएंगे लोग आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स को ख़त्म करेंगे पहचान आधारित राजनीति से ऊपर उठेंगे मुद्दों की बात होगी ऐसा हुआ है क्या भारत में आप ये सोचें कि लीडर इस देश को बदल देगा एक आदमी देश को बदल देगा नहीं है ये मैं समाज में जो चीज़ें चल रही हैं जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ वो मैं आपके माध्यम से आपको मुझे सवाल पूछने चाहिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ऑडियंस से पूछ रहा हूँ आपके विचारधारा क्या है मैं एक उदारवादी व्यक्ति हूँ मैं लाइबल्टी में अगर जब भी आप जा रहे हैं और आपके जनता है आपके वोटर्स हैं तो उनके लिए आपकी विचारधारा क्या है देखिए कई विचारधारा इज अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट थिंग मैं ये सोचूं कि 20 साल में उनको कहाँ पहुँचाना है एक विजन ऐसा नहीं होता आपको सोचना चाहिए कि आज मेरे पास सत्ता हो आज मैं सरकार में शामिल हूँ आज मेरे प्रतिनिधि हाउस में हों तो क्या इश्यू उठाएंगे कल क्या उठाएंगे परसों क्या उठाएंगे तो एक सीमित दायरा है पाँच साल का आपको टर्म है पाँच साल में आप क्या अचीव कर सकते हो अभी मैं राज्यसभा में एम पी मेरी कोशिश है कि मैं मेरे हम लोगों की इतनी संख्या तो है नहीं कि हम कोई कानून बना दें लेकिन कुछ इश्यूज को हम फोकस में लाएं मैंने ये तय किया है कि मेरी पूरी सांसद निधि खेल के संसाधनों पर मैं लगा रहा हूँ और मुझे नहीं मालूम शायद मैं खिलाड़ी भी हैं राज्यसभा में लेकिन शायद मैं पहला सांसद हूँ जिसने घोषित किया है कि ए, एक एक रुपया लगाया जाएगा कहीं स्टेडियम बनाना है कहीं रनिंग ट्रैक बनाना है कहीं रेसलिंग मैच देना है ताकि आने वाली पीढ़ियाँ खेल से हमारे यूपी में जुड़ें अभी तक तो कुछ फंड आपने रिलीज किया यस प्रक्रिया चल रही है अभी इन्होंने नए गाइडलाइंस इशू किए हैं तो मैंने बागपत क्योंकि मेरा नोडल डिस्ट्रिक्ट था तो मैंने अभी डीएम को चिट्ठी लिखी करिए और तो बड़ौत में रनिंग ट्रैक जो लगभग ढाई तीन करोड़ की लागत है और एक ग्रीन स्टेडियम का निर्माण मुजफ्फरनगर के साहटू गाँव में मुझे लगता है उसमें पांच छह करोड़ तो उसी प्रोजेक्ट में लग जाएंगे चलिए बेहतर अभी आपने राज्यसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया हम मुद्दे की बात कर रहे थे एक खेल हो गया यूथ ओरिएंटेड पॉलिसी की हम बात करते हैं तो जो जिस तरीके से एक नौजवान सोच सकता है और कर सकता है हम कल्पना भी नहीं कर सकते और इससे जो अगली पीढ़ी आएगी वो क्या करेगी उनकी समस्याएँ क्या होंगी आज हम नहीं सोच पा रहे हैं तो दारदार उनके ऊपर है बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट बार बार यूज होता है एक टर्म होता है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड वो ये है कि भारत की जो युवा आबादी इतनी बड़ी है जिनके कार्य क्षमता ऐसी है कि देश की अर्थव्यवस्था हो को वो बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं देश को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं लेकिन वो तब होगा अगर उनके लीडरशिप पोटेंशियल को हम बढ़ावा देंगे नेतृत्व को मौका देंगे और मुझे एक बड़ी अजीब सी बात लगी कि चुनाव में वोट कर रहे हैं नौजवान वोटर हम भी अपने पार्टीज़ को देखते हैं जब हमारा कोई कार्यक्रम होता है या चुनाव का वक्त होता है सारा जिम्मा बूथ से लेके प्रचार का नौजवान कर रहे हैं लेकिन वोट वो करेंगे चुनाव में खड़े नहीं हो सकते आज वो प्रधान बन रहे हैं वो शादी कर रहे हैं वो पिता बन रहे हैं भाई माता पिता से बड़ा कोई रिश्ता होता है कितनी मजोरिटी चाहिए एक फादर को एक मदर को निर्णय लेने की अपने परिवार के लिए अगर हम उनको ट्रस्ट कर रहे हैं कि वो नौजवान आज उस स्थिति में है कि अपने परिवार के लिए फैसले ले सकता है तो जो देश का परिवार है उसको आगे बढ़ाने में जो उसकी भूमिका होनी चाहिए वो क्यों नहीं उभ तो इसलिए मैंने एक प्रस्ताव दिया कि इक्कीस साल की उम्र में हो सकता था अठारह भी हो सकता था लेकिन इक्कीस साल की उम्र में चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो चाहे विधायकी हो हर प्रदेश में और केंद्रीय स्तर पे चुनाव लड़ने का अवसर नौजवानों को दिया जाए मिलेगा क्या आपको लगता है कि ये पास हो जाएगा नहीं हो मेरा प्राइवेट मेंबर बिल पास हो ना हो एक डायलॉग शुरू हुआ इस पे आपने मुझसे सवाल किया चर्चा हुई और सरकार भी क्योंकि यूथ ओरिएंटेड पॉलिटिक्स अब हो गई है नौजवानों को लुभाना है नौजवानों को के लिए एक विजन दिखाना है चुनाव से पहले तो शायद सरकार भी कर दे आप अपनी पार्टी में कितने युवाओं को मौका दे रहे हैं ये बताइए नहीं दे रहे हैं हमारे जो नौजवान यू, यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी यंग हैं और शायद यूपी में वन ऑफ द यंगेस्ट एम है हैं और आ, मतलब ऐसा नहीं है कि पचास साल के व्यक्ति को हमने यूथ का अध्यक्ष बना दिया और हमारे पार्टी के इकाई में संगठन में हर स्तर पर चाहे वो मेन पार्टी की जिला कमेटी हो प्रदेश की कमेटी हो या यूथ की अलग विंग है यूथ के अलग अलग विंग के साथ साथ दूसरी इकाइयों में भी हम कोशिश करते हैं नौजवान बने आपके नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर में कितने ऐसे युवा हैं जो तीस के अंदर हैं कमी है शायद तीन होंगे और आप आने वाले इलेक्शन में कितने ऐसे लोगों को मौका देंगे जो अंडर थर्टी फाइव हो कम से कम मैं भी अब 40 प्लस हो गया हूं। युवा तो फैर तिरपन साल के लोग अगर युवा है तो आप देखिए अगर हमें कहीं विनिंग कैंडिडेट दिखाई देगा जो यंग है तो हम उसको चुनेंगे उसको वरिता देंगे इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं कहेगा तो मतलब इस बार जो आप लोकसभा इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं आई थिंक बारह सीटों पे आप तैयारी कर रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है हम जो हमारा इलाका है जो हमारा क्षेत्र है जहाँ हमारी पार्टी की यूनिट्स हैं जो जमीन पर काम कर रही हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि वो मजबूती से काम करें हमें अपने वर्कर के मनोबल को भी बढ़ा के रखना है समझौता होता है वो तब सफल होता है जब जहाँ चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं हमारा सिंबल नहीं है लेकिन हमारे जो जो हमारे मुद्दों से जुड़े हुए लोग हैं पार्टी से जुड़े लोग हैं वो उसी तरह की मेहनत करें जैसा कि आर एल डी वहाँ चुनाव लड़ रही है अभी के समय में युवाओं के लिए पॉलिटिक्स इसलिए भी मुश्किल हो गई है क्योंकि जो राजनेता हैं उन्होंने उसको महंगा बना दिया है बिल्कुल सही है तो अगर कोई युवा आता भी है कैसे जिसके कैसे पास अपना बैकेंड ना हो तो कैसे चुनाव लड़ेगा लेकिन आ, कुछ इंकरेजिंग साइंस हैं अच्छे संकेत हैं अगर आप पंचायती स्तर को आप देखेंगे तो अब जो नौजवान प्रधान आ रहे हैं सिस्टम में उनका भी आगे एम्बिशन है और वो भी अच्छा काम कर रहे हैं उनमें बहुत लोग जो लोग नहीं सोचते कि इतना यंग प्रधान कैसे काम करेगा कैसे संभालेगा नीतियों को समझ पाएगा नहीं समझ पाएगा कितना टाइम दे पाएगा बट वो कर रहे हैं वहीं से नई लीडरशिप बनेगी बाकी जो पैसे के खर्चे की बात है तो देश को सोचना चाहिए आज बहुत ईमानदार लोग वो बन रहे हैं जो चुनाव में सबसे ज्यादा खर्च करते हैं देश को पता है कितने छत्तीस करोड़ है ना भाजपा के अकाउंट में छत्तीस करोड़ रुपए अब डोनर्स हैं उनके इंडिविजुअल भी हैं कॉर्पोरेट भी हैं और वो बॉन्ड भी हैं जो कि किसी को दिखाई नहीं देंगे आप लोग पूछते क्यों नहीं कि भाई दिखाओ पूछते हैं अब <laughs> पूछ रहे हैं आप बाकी चीज़ें जनता तय करेगी आपको आता है बहुत कम कॉरपोरेट में तो मुझे नहीं लगता कोई पिछले दो साल में आई डोंट थिंक वी रिसीव एनी डोनेशन फ्रॉम एनी कंपनी पार्टी चल कैसे रही है? <laughs> <laughs> खर्चे मिनिमाइज करके खर्चे मिनिमाइज करके चलिए अगला सवाल आपके यूपी से लेकिन उसके पहले गठबंधन की बात कर लेते हैं आप इंडिया गठबंधन में पूर्ण रूप से हैं ऑफ कोर्स मैं पटना के मीटिंग में निजी कारणों से नहीं गया था और आ, मेरी बात हो गई थी तेजस्वी जी से भी नीतीश जी से भी दे बोथ न्यू कहा जा रहा है कि सीटों को लेकर के 2024 के इलेक्शन को लेकर के जो सीटों का बंटवारा होना है उसको लेकर के बहुत चीज़ें चल रही हैं किसी को भी नहीं पता होता जो लोग एक्चुअली बैठ के तय करने वाले हैं उन्हीं को तो मालूम है ना बाकी आजकल ये हो गया है कि YouTube चैनल इतने बन गए हैं मीडिया के इतने लोग हैं जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं जो पैनल पे बिठाया जाता है तो उनको भी कुछ बोलना होता है तो वो भी अपनी एक पर्सपेक्टिव एक नज़रिया बताते हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा ना तो मुझसे बात करके शो में जाते हैं ना शो के बाद मुझसे पूछते हैं कि बता दो भैया कितना सही है कितना गलत है तो ये सारी चीज़ें वहां से बन रही हैं अब मैं रोज़ रोज रो, मैं रोज़ रोज़ सुबह उठ के बयान दूं कि नहीं ऐसा नहीं हमारे है हमारे रिश्ते अच्छे हैं मैं इंडिया का हिस्सा हूं मैं यहीं रहूंगा क्यों दूं मैं ये मेरा काम नहीं है आपकी डिमांड क्या है हमारी मेरी कोशिश है कि आर का विस्तार हो और इंडिया जीते हमारा जो अलायंस है वो और मजबूती से जमीन पर काम करे क्योंकि इससे अगले विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में जो हम परिवर्तन लाना चाहते हैं उसके रास्ते भी खुलेंगे तो अभी आपको क्या लगता है कि अगर जो भी आपको सीटें मिलती हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन पर आप कैसे चुनाव लड़ेंगे क्या स्ट्रेटेजी होगी विधानसभा चुनाव में बहुत ऐसी सीटें रह गई जो कम मार्जिन पर रह गई यानी हमने आखिरी वक्त पे कुछ हमारी कमजोरी थी या हमने कुछ गलत निर्णय लिए जिस कारण से वो सीट नहीं निकल पाई वरना संख्या इससे ज़्यादा होती अब आ गया पार्लियामेंट का पार्लियामेंट कालेक्शन इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट वोटर्स ने ये दिखाया है कि वो अक्सर अब राज्य के स्तर के चुनाव पर अलग वोट कर रहे हैं नगर पालिका के चुनाव में अलग वोट कर रहे हैं जिला पंचायत में अलग कर रहे हैं और पार्लियामेंट के चुनाव में अलग कर रहे हैं mm. तो यू कैन नॉट इक्वेट बोथ इलेक्शंस तो ये सारी चीज़ डिपेंड करेगी कि किस केमिस्ट्री के साथ हम लोग साथ मिलकर काम करते हैं मैं ये मानता हूँ कि इंडिया में हमें वो मुद्दे रखने पड़ेंगे जो ज़मीन के मुद्दे हैं और उन इश्यूज़ को हम बोल रहे हैं मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ कि हमारी सरकार बनेगी तो अग्निवीर योजना को रद्द करेंगे जो अग्निवीर हैं उनकी नौकरी पक्की होगी चार साल की कोई पक्की नौकरी मतलब जो एक एस्पिरेशनल नौकरी थी हमारे यूथ के लिए रूरल यूथ के लिए वो उन्होंने ख़त्म कर दी जिन जिलों में हज़ारों बच्चे सड़कों पर दौड़ते थे तैयारी अपने आप को तैयार करते थे अपने बॉडी को अपने दिमाग को आज वो लोग नहीं है आज उस तरह के उनके अंदर आकर्षण नहीं है उस नौकरी के लिए तो ये मैं खुल के कह रहा हूँ कि इसको हम करेंगे किसानों के लिए जो इतना बड़ा आंदोलन तेरह महीने उन्होंने किया एम की जिस व्यवस्था का लाभ देश के अधिकांश किसानों को नहीं मिल पा रहा उसके लिए हमें कानून बनाना पड़े कानून बनाएंगे बेरोजगारी की जो सबसे बड़ा सवाल है अब प्रधानमंत्री जी कुछ हज़ारों को जिनकी नौकरी चार महीने छः महीने पहले लग गई इकट्ठा करते हैं और भूल जाते हैं कि दो करोड़ नए रोजगार की बात वादा उन्होंने किया था तो उस जुमले को भी सेटिसाइड कीजिए जो लंबित भर्तियाँ हैं जो खाली पद हैं उन्हीं को सरकार नहीं भर पाई है तो उसके लिए भी अगर हमें कानून बनाना पड़े कि एक ऐसी व्यवस्था बन जाए कि अगर कोई वैकेंसी है अगर पद है जो सरकार का मानना है कि हमें इतने पद चाहिए सुचारू रूप से विभाग को सरकार को चलाने के लिए इतने हमें कर्मचारी इतने अधिकारी हमें रखने हैं तो उनकी एक समय सीमा में भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाए तो ये, ये कई और इश्यूज आएंगे जब हम लोग जाएंगे मुंबई में बात करेंगे और पार्टीज़ का अपना नज़रिया होगा okay. विदेश नीति को लेके अर्थ नीति को लेके सामाजिक सुरक्षा को लेकर उन बातों को हम रखेंगे अभी बीजेपी की विदेश नीति ठीक नहीं है है कोई नीति कोई ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी हो रही है कोई या सिर्फ मोदी जी हैं और वो एन की एक मीटिंग हो जाती है और गुजरात के लोग वहाँ पहुँचाए जाते हैं और डांस का शो होता है डांस का शो देखने के लिए तो बहुत लोग चले जाएंगे और ताली भी बजाएंगे जब डांस होगा इंडियन कल्चर को कौन विदेश में बैठा व्यक्ति इंडियन कल्चर को नहीं मानता या फॉलो नहीं करता या पसंद नहीं करता तो ये सब एक गिमिक्री हो रही है आप देखें जो हमारे पुराने पार्टनरशिप्स थे वो कितने मजबूत हैं यूएस के साथ जो एक हमने एक बड़ा परसेप्टेबल शिफ्ट सा दिखा है भारत की नीति में लेकिन उसके बावजूद भारत और यूएस के रिश्ते अच्छे नहीं हैं बहुत समय तक उन्होंने यहाँ एम्बेजर ही अपॉइंट नहीं किया क्यों नहीं किया कि एक अनीस है हमारे जो इमीजिएट नेबर हैं जिन पे आज भी हमारी अर्थव्यवस्था बहुत हद तक निर्भर है हम कुछ ही कह लें टिकटॉक हमने बैन कर दिया है लेकिन हमारा उनसे जो जितना हम इम्पोर्ट कर रहे हैं वो कहीं कम नहीं हुआ बढ़ी है हमारी कंपनीज़ भी बहुत वहाँ से जो है आयात पर आधारित हैं तो चाइना के सवाल पे भी सरकार की कोई पॉलिसी मुझे लगती नहीं जब चाइना के और हमारे सपाइयों के बीच में जो कुछ हुआ विवाद हुआ अब हम ये क्लेम किया जा रहा है कि एक डिसीज़न लिया गया है हाल में कि चाइना और इंडिया डिसंगेज करेगा डिसंगेज करेगा लेकिन जो हमने ज़मीन खोई है वो किसकी है कोई क्लैरिटी नहीं है तो जो ट्रांस जो एक पारदर्शिता होनी चाहिए जो एक लंबे समय का एक विजन होना चाहिए कि भारत को कहाँ अपनी जगह बनानी है उसमें मुझे क्लैरिटी नहीं दिखाई देती आप मीडिया को लेकर के वर्तमान मीडिया को लेकर के क्या सोचते हैं क्या विचार रखते हैं उसके बारे में इस देश में सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल मीडिया में चल नहीं पाया अखबार भी सबसे थे आज डिजिटल स्पेस में भी जो आप अगर पे वॉल लगाएंगे तो आप देखिएगा कि कितने लोग देखते हैं आपका शो बहुत मुश्किल है यूट्यूब के उनके अपने एक्स के अब ट्विटर के अलग सिस्टम्स हैं रिवॉर्ड करने के जो लोग कंटेंट बनाते हैं mm. तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है नहीं खर्चे इतने हैं आपको उतना बड़ा स्टाफ टेक्निकल रखना है मार्केटिंग करनी है आ, आपको ऑफिस स्पेस मेंटेन करना है इतनी बड़ी टीम रखनी है रिसर्च करनी है तो मैं उनके लिहाज से सोचता हूँ जो मीडिया में कोई पैसा तो बनता नहीं मीडिया बिजनेस इज़ लाइक एयरलाइन बिजनेस इट्स अ ईजिएस्ट वे टू बिकम मिलियन एयर यू पुट एन अलियन डॉलर्स एंड यू बिकम मिलियन एयर तो मीडिया चैनल का भी यही हाल है इसलिए जो कई लोग पॉलिटिशियंस हैं जो मीडिया चैनल को कुछ लोग चला रहे हैं अब तक ये भी होता था रीजनल कई ऐसी चैनल्स हैं जो ओपनली अफिलिएटेड हैं वो नेताओं ने अपने चैनल खोल दिया उनको लगता है कि वहाँ तो घाटा होगा लेकिन हमारा प्रचार चलेगा तो एज अ बिजनेस मीडिया मेरे समझ में से बाहर है तो वो बिजनेस सरवाइव नहीं कर पा रही तो हमारे देश में एक आध बड़े-बड़े सेठ हैं सारे चैनल उन्होंने खरीद लिए और खरीद के लिए मुझे लगता है कि एडिटर के ऑफिस में बैठ के वही लोग तय कर रहे हैं कि अब क्या स्क्रिप्ट राइटिंग जो होती है स्क्रीन प्ले होता है कि आज ब्रेकिंग किस बात पे देश को तोड़ना है 8 बजे क्या चीज टूटेगी आज वो तय कर रहे हैं मणिपुर पर मैं सोच रहा हूं कि आपसे विचार लूं और सिर्फ ये नहीं मतलब मैं अब तक समझ रहा हूँ कि आप एक सीधा जवाब दे के आ, निकल रहे हैं लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग सांसद हैं राज्यसभा में हैं लोकसभा में भी हैं है ना आपके हो या ना हो एन विपक्ष के लोग हैं जिस तरीके से किसी मुद्दे को उठाना चाहिए वैसा ना हो के आप लोग सदन से या तो डिसकॉलीफाई हो जाते हैं या फिर सस्पेंड हो जाते हैं वो मुद्दा वैसे के वैसे धरा का धरा रह जाता है मणिपुर को लेकर के हुआ क्या सरकार के ऊपर बहुत चीजें होती हैं विपक्ष को पे आप इस बात पे इल्जाम नहीं लगा सकते कि सदन को चलाने की बड़ी जिम्मेदारी सरकार की होती है हमने वैसी भी सरकारें देखी हैं जहां विपक्ष के नेताओं ने रेजोल्यूशन रे, रखे हैं टेबल उस पर संसद में उस पर चर्चा हुई है और रेजोल्यूशन सहमति से पास हुए हैं उसी नियम के तहत हम राज्यसभा में चर्चा करना चाहते थे और हमने यहाँ तक आखिरी वक्त पे कहा कि एक जॉइंट रेजोल्यूशन हो जाए जिसमें सहमति सरकार की भी हो विपक्ष की भी हो कि एक अच्छा सकारात्मक संदेश मणिपुर के जनता को को हम विश्वास दिलाएं कि देश की सरकार देश के प्रतिनिधि सभी लोग आ, संसद कितनी गंभीर है उस सवाल पे तो एक एक संदेश हम देना चाहते थे लेकिन सरकार उससे बच रही थी होता क्या आपने देखा दो तीन सेशन सेशन के शुरुआत होने से पहले मोदी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और 15-20 मिनट अपनी बात रखते हैं और फिर कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि जो है सदन अपना काम करेगा और पूरी जो कार्रवाई शांति से जो चले चलाई जाएगी और उसके बाद सदन में एक भी दिन वो जाते नहीं गुरु हमारी यही तो डिमांड थी कि प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है पहले भी प्रधानमंत्रियों ने क्वेश्चन आर में भी भाग लिया है कभी कभी हमने ये भी होते देखा है मनमोहन सिंह जी को मैंने खड़े होते देखा है क्वेश्चन आर में सवाल उनसे नहीं किया गया एक मंत्री से किया गया और जवाब में प्रधानमंत्री खड़े होकर जवाब दे रहे हैं तो वे भी पारदर्शिता हमने देखी वे भी जवाबदेही हमने देखी है सदन एक भी दिन प्रधानमंत्री जब सदन चलता है उसमें आते नहीं शामिल नहीं होना चाहते सरकार नहीं चाहती थी कि चर्चा हो प्रधानमंत्री जी उसमें शामिल हो क्योंकि फिर इल्जाम लगाया जाएगा उन पर जब इल्जाम लगने की बात बारी आती है दोष की बात बारी आती है तो प्रधानमंत्री जी उससे बचना चाहते हैं ये उनकी रणनीति है और जहाँ श्रेय लेना है तो ऐसा झंडा हिलाता है आपको एक चीज़ आपने नोट किया है कि आप जब भी किसी ऐसे मुद्दे को लेकर के चाहे वो विपक्ष के लोग हों चाहे किसी व्यक्तिगत सांसद की बात हो आप ही की क्यों ना बात हो आप लोग मुद्दा तो उठाते हैं लेकिन वो मुद्दा सही पॉइंट तक पहुंच नहीं पाता है इंसाफ लोगों को मिल नहीं पाता है नहीं ऐसा नहीं बहुत जगह उठाने का असर पड़ता है और प्रभाव पड़ता है ऐसा नहीं है पॉलिटिक्स में ये हर चीज़ का प्रभाव पड़ता है हम ये इसको ना सोचें एक्टिविज़म के नतीजे देखे हैं और किसान आंदोलन इससे बेहतर क्या है पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी उसको सपोर्ट किया जो विपक्षी पार्टीज थी सबने खुल के कहा बल्कि सरकार में शामिल पार्टीज़ अलग हुई हनुमान बेनीवाल एनडीए में थे वो अलग हुए इस मुद्दे पे अकालीज ने विरोध किया वो अलग हुए अभी तक वो साथ नहीं आए वापस नहीं आए और उसका असर ये हुआ कि जमीन पे भी आंदोलन हुआ पॉलिटिकल अपोजिशन ने अपनी बात रखी और सरकार की नीति बदली तो जहाँ सरकार संवेदनशील है या उनको एक नुकसान दिखता है राजनीतिक तो सरकार निर्णय लेती है वापस एक बार मैं यूपी पे चलता हूँ जब मुजफ्फरनगर दंगे हुए तो उसके बाद आप लोगों की पार्टी की ओर से आप लोगों ने उसके खिलाफ कुछ कहा नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ये गलत दुश्मन आप कैसे है? सोचते हैं कि वो जो कम्युनिटी है वो आपके साथ वापस जुड़ जाएगी देखिए ये दुष्प्रचार है जो दंगा प्रभावित जितने गांव थे हर एक गांव में सुबह पाँच बजे मैं गया हूँ बिना प्रचार किए गया हूँ लोगों की सुनने गया हूँ और मैंने सुनी है ऐसी ऐसी बातें सुनी मैं दोहराना नहीं चाहूँगा उससे और तनाव खड़ा होगा लेकिन मैं ये महसूस करता था कि वो जो भड़ास है वो निकल जानी चाहिए मुझ पर ही निकल जाए कोई बात नहीं मैं सहन कर लूँगा एक चुनाव हमने सहन की दो चुनाव हमने सहन किए चुनाव हम हारे हमने पाला नहीं बदला बल्कि एक रिकॉर्डेड बयान है चौधरी अजीत सिंह जी का बयान है कि मुझे चुनाव से कोई मतलब नहीं मैं यहाँ भाईचारा चाहता हूँ और मुजफ्फरनगर में वो चुनाव भले हार गए हों ये पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे इस बात को बयान करते हैं कि लोगों ने उस बात को समझा उस मैसेज को समझा और उनको ये महसूस हुआ कि नुकसान हम ही लोगों का हुआ है तो वो चौधरी अजीत सिंह जी की जो पहल थी भाईचारा जिंदाबाद के कार्यक्रम थे लोगों को गले मिलवाना साथ बैठाना वो जो कोशिश थी वो असरदार रही लेकिन वक्त लगता है हम ये सोचें कि एक मॉब है उसको लीडर आ जाएगा भाषण दे देगा दे और शांत कर देगा मॉब को इतना आसान नहीं होता वो धीमे 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 जो भावनाएं भड़काई जाती हैं उसकी काट तभी करनी होती है जहां आपको दिखाई दे कि कुछ गलत हो रहा है वहां हमारे कार्यकर्ताओं को बोलना होगा अब शांत नहीं रह सकते आप लोगों ने पूरा कोशिश किया कि फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान दोनों समुदाय को मिला लिया जाए लेकिन उसी दौरान उसके बाद भी मैं ग्राउंड रिपोर्ट पे गया था मैं शामली गया मुजफ्फरनगर गया और भी एक दो इलाकों में गया खासकर मुजफ़्फ़रनगर में जो दंगा प्रभावित लोग अलग अलग, अलग जगहों पर शेल्टर टाइप बना के रह रहे हैं उनसे भी हमें मिला वो आज भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं विश्वास जीतना तो कठिन होता है कुछ चीज़ों का निर्माण करना कठिन होता है तोड़ना बहुत आसान होता है चीज़ों को ध्वस्त करना आसान है बुलडोजर चलाना आसान है और निर्माण करना कठिन है गंगा जमुनी तहजीब हम कहते हैं क्यों कहते हैं इस बात को कि हम लोगों को याद दिलाते हैं कि इतना लंबा तुम्हारा इतिहास है साथ रहने का काम करने का रिश्ते हैं इतने इतने गहरे रिश्ते हैं वो एक दिन में तो बनेंगे नहीं अब टूट गए हैं दोबारा उनको जिंदा करना इतना आसान नहीं है एक सोसाइटी ट्रॉमाटाइज हो जाती है आप सोचिए जिन बच्चों की नौकरी लग गई ऐसे भी बहुत केसेस थे वो कहीं इन्वॉल्व नहीं थे नाम उनके लिख लिख दिए गए अब क्योंकि हमारे यहाँ जस्टिस में बहुत टाइम लगता है जस्टिस का आइडिया लोगों का अलग हो सकता है लेकिन मैं ये मानता हूँ कि एक समय सीमा तो होनी चाहिए ना कितने साल चीज़ें चलेंगी तो केस जब जब होता है तो वो तनाव उनके लिए है नौकरियां लग गई हैं आगे को भविष्य बचा नहीं है दूसरी तरफ ये भी है कि जो लोग शामिल थे किसी को कोई दंड ही नहीं मिला ऐसा लगता है कि वो दंगा अपने आप ही हुआ किसी ने तो किया ही नहीं अक्सर ऐसा होता है आप देखते हैं तो रिकन्सिलिएशन बिना जस्टिस के बिना न्याय के संभव नहीं है लोग सिर्फ भूल जाएं ये पॉसिबल नहीं है लोगों को गलती भी स्वीकारनी पड़ेगी जिनको दंड मिलना चाहिए उनको दंड भी मिलना चाहिए और तभी आगे के उपाय और रास्ते राकेश टिकट के बारे में आप क्या कहेंगे कैसे संबंध है दो का चुनाव बहुत प्रखर तरीके से उन्होंने आपके खिलाफ चीज़ें करी आप उससे हारे भी जीरो सीट रही आपकी और दंगों में भी कहा तो जाता ही है देखिए जब हमारे यहाँ हम लोग आज आप उनके साथ हैं फार्म प्रोटेस्ट में आपको फायदा हुआ किसान की बात करेंगे तो हम जरूर सहयोग जो हमारे बज में है सहयोग करेंगे और हमारे यहाँ एक वो है चलन है कि लोग ज़्यादा देर नाराज नहीं होते जो आता है वो मुख पे आता है हम बोल देंगे हो सकता है कड़वी बात लगे किसी को लेकिन अंदर मलाल लगने से बेहतर है आप उस बात को एक बार कह दो जब राकेश जी ने बात खुद कही थी कि मैंने वोट नहीं दी मुझसे गलती हो गई तो बात ख़त्म हो गई उसके बाद ही तो चौधरी अजीत सिंह जी ने कहा कि राकेश तुम जो काम कर रहे हो तुम हिम्मत से काम करो हम तुम्हारे साथ हैं चौधरी अजीत सिंह की वो जो कॉल थी वो ऐतिहासिक कॉल जो उन्होंने फ़ोन किया होगा बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ और उसके बाद जो लश्कर निकले लोगों के क्योंकि हिम्मत बन गई कि नहीं ये, अलग अलग हम लड़ते रहेंगे तो कोई और बाजी मार जाएगा तो वो जो एक मोमेंट था बहुत एक टर्निंग पॉइंट था किसान आंदोलन में भी तो जब वो बात होगी तो अब अब क्या है तो अब किसान यूनियन अलग है गैर राजनीतिक है जहाँ वो किसानों की अगर वकालत कर रहे हैं किसी नीतिगत मुद्दे को उठाते हैं तो हमारे लोग भी वहाँ जाते हैं अब टोपी अलग अलग है ना इंसान तो वही वही तो लोग हैं अब वो टोपी उनकी लगाएंगे हमारी लगाएंगे किसी और की लगाएंगे हैं तो हमारे लोग जो धार्मिक एजेंडा है जिस तरीके से धर्म को आधार बनाकर अभी फिलहाल अगर हम यूपी की ही बात कर लें या 2024 के इलेक्शन की तो पूरा फोकस जो भी राजनीतिक जानकार हैं वो हैं कि राम मंदिर को लेकर के चीज़ें चलेंगी सरकारों का ये काम है कि मंदिर बनाए ये काम वाकई क्या सरकारों का है मैं मानता हूँ कि देश के बहुमत आबादी जो है वो अपने समस्याओं से घिरी हुई है उसे अपने कल परसों का नहीं मालूम वो ये देख रहा है कि कौन सी पार्टी कौन से नेता मेरी बात कर रहा है मुझे विश्वास है कि वो जब मतदान करेगा वो इस बात पे नहीं करेगा धर्म को मानते हो नहीं मानते हो हमारे यहाँ तो नास्तिक लोग भी हैं इतने वो क्या करेंगे समुद्र में कूद जाए हम पाकिस्तान बन गए हैं क्या हम लिबरल डेमोक्रेसी हैं हमारे संविधान में बराबरी की बात है और जो भी कोई उन्माद की बात कर रहे हैं उनको बीच में शुरुआत में सफलता मिल जाती है लेकिन काट के हांडी बार बार नहीं चटती ठीक है दो आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ मुझे पहले तो ये बताइए कि जो आप लोग का इंडिया गठबंधन है उसका प्रायर एजेंडा क्या होगा 2024 के इलेक्शन को लेकर के और क्या वो 2023 के इलेक्शन तक भी दिसंबर तक जो पांच राज्यों के इलेक्शन होने वाले हैं वो गठबंधन टिकेगा क्योंकि तमाम पार्टियों के तमाम लोग चाहते हैं जिन जो भी जिसका यूपी में थोड़ा बहुत जनाधार है जैसे आम आदमी पार्टी हो गई उसने अभी हाल ही में कहा है कि हम बिहार में चुनाव लड़ेंगे तो वहाँ के जो आपके मित्र हैं तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार जी उनको दुख हो रहा है कि इन्होंने जो गठबंधन धर्म का निभाना था वो नहीं निभाया जा रहा है दूसरा उनकी डिमांड यूपी में भी होगी ठीक ठाक उनके भी वोट शेयर कहे जा रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग इन सारी चीज़ों से निजात कैसे पाएंगे और क्या स्ट्रैटेजी होगी आपकी स्ट्रैटी तो समय पर ही खुलेगी और मैं ये सोचूं कि मेरा ही एजेंडा चलेगा या आरएलडी एल के ही एजेंडा जो इंडिया का एजेंडा रहेगा नहीं यही बात होती है यही लोकतंत्र होता है कंसेंसस बनाना पड़ता है आज ये देश को एक नेता नहीं चला रहे हैं ये लोगों को जो है गलत फहमी लोगों के अंदर पैदा की जा रही है पूरी टीम होती है टीम वर्क है तो उसी तरह हमारी भी कलेक्टिव सामूहिक नेतृत्व तो हम दे रहे हैं कलेक्टिव लीडरशिप है बहुत अनुभवी लोग हैं बहुत सारी पार्टी हैं उनके एम्बिशन होंगे कौन नहीं चाहता मेरे पार्टी का दायरा बढ़े लेकिन कहीं भी हमने ये नहीं कहा कि यही इंडिया सारे विधानसभा चुनाव लड़ेगी और यही इंडिया पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेगी ये तो हमने नहीं कहा कई ऐसे राज्य हैं जहाँ इंडिया के घटक दल अलग अलग भी लड़ेंगे समझौते में भी लड़ेंगे लेकिन जहाँ देश का सवाल है जहाँ एक एजेंडा सेटिंग है वो इंडिया का एक क्लियर हो जाएगा समय पे ही होगा वो आज आपको नहीं लग रहा लेकिन आप पूछिए ना एनडीए का कौन सा मुद्दा है एनडीए का कहाँ मैनिफेस्टो है एनडीए किस आधार पर चुनाव लड़ रही है पिछली बार बेंगलुरु में हमने बैठक की घोषणा की तो एनडीए के आनंद फानन में मीटिंग हुई इस बार तो एनडीए भी नहीं बुलाई जा रही है इस बार तो बीजेपी की मीटिंग उन्होंने टेकी है तो अब एनडीए की उनको जरूरत नहीं है एनडीए कहाँ है हवा में ही तो है पासवान चिराग पासवान क्या वो दूसरे राज्यों में नहीं लड़ना चाहेंगे क्या दुष्यंत चौटाला राजस्थान में सीट नहीं मांगेंगे क्या उनको बीजेपी वहाँ सीट देगी तो ये सवाल आप उनसे कीजिए कि एन डी ए कहाँ हैं एन डी ए कहाँ तक टिकेगा खैर मिलेंगे तो मैं ज़रूर पूछूंगा आखिर में एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि कुछ ऐसा वो हम लोग के वीडियो में जो चलता है ना वो पाँच मिनट का कुछ एक किस्सा चलता है तो वो किस्सा मैं आपके दादाजी और आपके पिताजी के दौर का आपसे कुछ जानना सुनना चाहूँगा किस्सा खूबसूरत याद यादें बहुत मैं आपको हाउस होल्ड की बात जैसे होती है ना घर घर के जो जीवन है जो मैं तो बहुत छोटा था जब दादाजी थे तो एक वो होता है कि परिवार की बैठक और जिस लेवल पे वो काम करते थे लेकिन फिर भी वो वक्त निकाल के जो उनका बाहर पब्लिक में आचरण था जिन संस्कारों की वो बात करते थे उम्मीद करते थे देश के लोगों से अपने कार्यकर्ताओं से वही चीज़ उनके परिवार पे भी लागू थी तो बड़ी शक्ति रहती थी मैं तो छोटा सा था और दादी जी प्यार करती थी बहुत सारे बच्चे कजन्स थे माहौल ही होता था तुगलक रोड की मैं बात कर रहा हूँ पारा तुगलक रोड की कई बार गांव से कोई आ गया उसको इम्तिहान देना है तो वो रुक रहे वहाँ एक हफ्ते रुक गए बहुत खुला एटमोसफेयर था कोई रोक टोक नहीं थी अब आजकल तो वो संभव नहीं है अब आजकल कई लेयर हो गई सिक्योरिटी होती है आजकल नेताओं के जीवन में इतना खुला व्यवहार पॉसिबल नहीं है पहले होता था तो हम लोग बच्चे थे लेकिन हम भी डरते थे अगर किसी ने जैसे कमरे से कोई जा रहा है और लाइट खुली छोड़ दी तो डांट पड़ेगी और दादी जी की एक होती थी कोठरी तो हम लोग देखते थे कि जब दादाजी कमरे में नहीं है तो दादी जी को जाकर मनाया जाए और वो जो अपनी कोठरी में उनकी अलमारी होती थी वो अलमारी खोलेंगी चाबी उनके पास रहती थी और वो काजू किशमिश निकाल के कुछ हमें देंगे तो इस फिराक में हम लोग लगे रहते थे <laughs> तो वो याद है मुझे क्या राजनीतिक के क्या क्या गुड़ सिखा के गए आपके पिताजी आपको कोई क्या ऐसे सिद्धांत जो आप नहीं, नहीं ने बहुत आजादी दी आजीवन उन्होंने इसको तोड़ना नहीं चाहेंगे हाँ वो यही है कि जो आजादी उन्होंने मुझे दी और लोगों को दी और जिस तरह खुले मन से वो विश्वास करते थे मैंने ये देखा है जैसे खास तौर तो से राजनीति में बहुत इंसिक्योर लीडर हो गए हैं वो असुरक्षित हैं उन पता नहीं क्या वो बड़ी संकुचित विचारों के होते जाते हैं और जितनी लंबी आपकी राजनीति जितने बड़े पद पे आप पहुंच रहे हो आपका दिल और छोटा होता जा रहा है क्योंकि आप इतनी बार धोखा खाए हो कितने लोगों ने आपके साथ आपको जो है आ, सही और गलत मौके पे आपका साथ छोड़ा है तो आपका जो एक सहन की की जो शक्ति होती है या विश्वास करने की क्षमता होती है वो कमज़ोर हो जाती है तो मैंने उनसे ये सीखा कि ठोकर लगे लोग साथ देना दें अगर आप किसी चीज़ में विश्वास रखते हैं तो आपका इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि आप उस रास्ते पर चलें जो लोग आपके साथ हैं आप उनकी कदर जरूर कीजिए जो आपका साथ छोड़ गए कल को जब उनके विचार बदलेंगे तो आपका इतना बड़ा दिल होना चाहिए कि आप दोबारा उनको अपने पाले में ला सकें बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और थैंक यू उम्मीद है कि जब चुनाव शुरू होंगे तो दोबारा हमारी मुलाकात होगी आइएगा आप तो प्रचार में आइएगा <laughs> हम लोग एंड में एक चीज़ कहते हैं हमेशा कि आ, हमारे प्लेटफॉर्म के लिए आप दो शब्द अगर कहना चाहें आपके अपने फॉलोअर्स से कि लोग उसे फॉलो करें सब्सक्राइब करें ये मैं देख रहा था ये कॉफ़ी विद करण वाला कोई मॉडल था क्या उसमें नहीं हम लोग अपने कप में पिलाते हैं सो so, काफ़ी हमने लंबा इंटरव्यू किया मुझे लगता है कई ऐसे सवाल थे जो आप मैं प्रिपेयर नहीं था बट आपका नाम है जिस्ट तो होपफुली जो निचोड़ है या जो जो एक आध सच्ची बात मैंने कही है इंटरव्यू में लोग उसे सुनेंगे समझेंगे और आपका प्लेटफॉर्म आगे बढ़े वाइब्रेंट रहे आज़ाद रहे स्वतंत्र रहे मजबूत रहे चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर थैंक यू